झारखंड की राजधानी रांची में हुई 10 जून को हिंसा मामले में पुलिस जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम वासेपुर गैंग था इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश कर रही है। रांची हिंसा के बाद सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। 10 जून की हिंसक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए करबला चौक और अन्य क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच पुलिस को यह पता चला कि 10 जून के विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटाने के लिए वासेपुर गैंग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने राज्य भर के सभी संवेदनशील स्थलों पर रैपिड एक्शन फोर्स, आतंकवाद विरोधी दस्ते, विशेष टास्क फोर्स और पुलिस को तैनात किया है। बता दें, 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद रांची में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही झारखंड में तनाव बना हुआ है। रांची में निलंबित भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नेता नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने बताया कि अब तक 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 16 अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शिनाख्त की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बता दें, 10 जून को हुई हिंसा के बाद रांची में धारा 144 लगा दी गई थी और एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंसा की घटनाओं की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी दिए हैं। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT भी गठित की गई है।